आपका इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। मैं आपसे एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में जुड़ना चाहता हूँ। ये एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इंटरनेशनल फेम के ह्यूमन राइट्स के मसीहा अंसार बर्नी साहब से। अंसार बर्नी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने, आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस एपिसोड बाई आस्किंग यू what is human rights first of all? I think if you will go and read the last sermon of Nabi alayhi salatu wasalam, peace be upon him, you will get what human rights are. Ji. Aur usi se maine sikha ke insaniyat ki azmat kya cheez hai. Achha. Quran to define kar hi raha hai, Quran to bata hi raha hai. लेकिन जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल जिंदगी है जी। वो जिंदगी से बढ़ के ना इंसानियत व इंसानी हुकूक दुनिया में कोई आई है ना आ सकती है। एक रब्बुल आलमीन है, एक रहमतल लिल मुस्लिमीन है। तो मेरा जो काम है, जो मेरा कॉज है, जो मेरा तरीक़ेकार है, वो सारा का सारा ये है कि मैं इंसानियत और इंसानी हुकूक की अजमत वक़ार का जब काम करता हूँ तो उस काम के अंदर जी। मेरे सामने मेरा रब होता है और आका और मौला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते हैं। अंसार बनी साहब, रिसेंटली कुछ महीने पहले सोमाली पायरेट्स से एक शिप को हाईजैक किया गया था और हिंदुस्तानी सेलर्स भी उसमें परेशान थे, इजिप्ट के भी लोग थे, पाकिस्तान के भी लोग थे। आप जो बेस्ड हैं, आपका एक फाउंडेशन है ह्यूमन राइट्स का जो लंदन से आप ऑपरेट करते हैं, आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप इन मुल्कों के लोगों की जिंदगियों में राहत डालने के लिए आप अपने सर्विसेज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इससे जोड़ें और हिंदुस्तान के सेलर्स को भी और दूसरे मुल्कों के सेलर्स को भी आप रिस्क लेकर उनसे नेगोशिएट कर कर इसमें आदि साहब? हुआ ये था कि मेरे पास पाकिस्तान की फैमिलीज आई थी और उन्होंने मुझे बताया कि कोई जहाज इस तरह अगवा हो गया है और इस तरह जहाज अगवा होते रहते हैं और रैंसम दे के छूटते रहते हैं। लेकिन इस जहाज के लिए मसला ये आ गया था कि जो ओनर है जी। वो भाग गया था। अच्छा। वो ना पायरेट से बात कर रहा था, वो ना फैमिली से बात कर रहा था, वो बिल्कुल उसने रابطہ खत्म कर दिया था जी। तो जब वो मेरे पास आए और वो बात निकली तो हिंदुस्तान के लोगों ने भी फिर मुझसे रابطہ किया, फिर इजिप्ट के लोगों ने भी मुझसे रابطہ किया, फिर श्रीलंका के लोगों ने भी मुझसे रابطہ किया और दीगर ममालिक के लोगों ने भी मुझसे रابطہ किया। लेकिन हमें चूंकि डोनेशन इकट्ठा करनी थी पाकिस्तान में, जब डोनेशन हम पाकिस्तान में इकट्ठा कर रहे थे तो लोगों के जहन में ये था कि हम पाकिस्तानियों के लिए देंगे, 21 लोग हैं तो 21 लोगों के लिए हम 4 लोगों का दे देते हैं क्योंकि 4 पाकिस्तानी हैं, बाकी सारे अपने अपने ममालिक का करें। तो मैंने कहा कि नहीं, फिर तुम अल्लाह को और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोटा कर रहे हो क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन। हमें इंसानियत के लिए काम करना है। हम मजहब पे नहीं जाते, हम बाउंड्रीज पे नहीं जाते। ये बाउंड्रीज हमारी कैची हुई हैं। ये हमने सन 47 ना होती तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ना होता। तो ये सब चीजें हमारी बनाई हुई हैं। इंसान जो है वो रब का बनाया हुआ है। तो जब रब का बनाया हुआ इंसान है और हम इंसानियत को मानते हैं, हमारी पूजा क्या है? अल्लाह की पूजा है जो ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी रूह इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान को मार देना इंसानियत को मार देना है। तो हमें इंसानियत को बचाना है। उनको समझ में आई बात और 2.1 मिलियन हमने इकट्ठे किए डॉलर्स, यूएस डॉलर्स 2.1 मिलियन। अब मसला ये आता था कि रैंसम नहीं देना है, हमने भी रैंसम नहीं देना है, हम रैंसम के खिलाफ हैं। लेकिन यहाँ इंसानी जिंदगियां बचानी थी तो हमने कहा कि हम इंसानी इमदाद कह लें आप उसको, ह्यूमनिटेरियन एड जो है हम शिपिंग कंपनी को देंगे। शिपिंग कंपनी चाहे इस इमदाद को समंदर में फेंक दे, वो चाहे इन डॉलर्स को जला दे, वो चाहे रैंसम दे, हमें इंसानी जिंदगियां बचानी है। तो उसमें फिर 6 खानदान यहाँ के भी थे और उन खानदानों ने फिर जिस तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत के लोग भारत में आए, इजिप्ट के लोग इजिप्ट में गए, श्रीलंका के श्रीलंका गए, पाकिस्तान के पाकिस्तान गए और मुझे रब की ज़ात पे जी हाँ। उस मालिक की ज़ात पे मुझे ये फ़ख्र हासिल हुआ। अपनी ज़ात पे तो फ़ख्र आदमी कर ही नहीं सकता कि उस आका और मौला के सदक़े में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अल्लाह पाक ने जो करम नवाजी की
कि हम सात खैरियत के सब लोगों को निकाल कर लाए। और आदिल साहब, अगर मैं आपको वो पूरा किस्सा बताऊं, उसके लिए तो मुझे 3-4 घंटे चाहिए, लेकिन अलमुख्तसरन ये कि कदम कदम पे ऐसा महसूस होता था, फिनिश, खत्म, बस सब मर जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा, सब होके भी कुछ नहीं हो रहा, और पीछे से कोई कहता था आगे बढ़ो। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हिंदुस्तान ने आपकी इन कोशिशों को बहुत सराहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये भी जानते हैं कि मीडिया ने खास तौर पर उस दौरान इतनी अच्छी आपके आदिल साहब इस मीडिया का तो मैं जितना शुक्रिया अदा करूं, आप ये देखिए कि इतनी पॉजिटिव खबरें, और मुझे कभी कभी अफसोस होता है बाज़ ममालिक पे जो भारत के मीडिया के खिलाफ बात करते हैं, इतनी पॉजिटिव खबरें। मैं तो एक पाकिस्तानी था अगर देखा जाए, मैं तो एक मुसलमान था अगर देखा जाए, मगर यहाँ ऐसा लगता था, मैं कभी कभी एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, लेकिन ये भी तो मेरा वतन है, मेरे माँ बाप का वतन है, मेरे दादा दादी नाना नानी का वतन है। बुलंदशहर से जी हाँ, मेरा ददियाल बुलंदशहर का है, ननियाल लखनऊ और संदीले का है, तो ये तो मेरा घर है, ये तो मेरे माँ बाप का घर है, मुझे जितना अपना घर पाकिस्तान प्यारा है उससे शायद कहीं ज्यादा नहीं, तो उतना जरूर भारत भी उतना ही प्यारा है, क्योंकि ये मेरा, यहाँ से मेरा खून चला है, इस मिट्टी का खून मेरी रगों में है, कि इंडिया और पाकिस्तान तो मेरे लिए ये एक, मैं किसी एक के खिलाफ भी तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं किसी एक के, मेरा तो बस चले तो मैं इनको फूलों की मैं फूलों की सेज से इनको भर दूं। नाजरीन, इस टॉक को अंसार बन्नी साहब के साथ जारी रखेंगे, हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। नाजरीन, आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। अब बात कर रहे हैं अंसार बन्नी साहब से। अंसार बन्नी साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले आप अपनी कोशिशें और आपकी ख्वाहिशात हिंदुस्तान के बारे में आप उसको बयान करें। देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब किसी का कत्ल होता है, जब कहीं दहशतगर्दी होती है, तो वहाँ हिंदू नहीं मरता, सिख नहीं मरता, ईसाई नहीं मरता, यहूदी नहीं मरता, मुसलमान नहीं मरता, एक इंसान मरता है, एक खानदान मर जाता है। मेरे नज़दीक ये जो सूरत हाल है, एक बाप मरता है, एक भाई मरता है, एक बेटा मरता है, एक बहन मरती है, एक माँ मरती है, एक सुहाग उजड़ता है, एक गोद उजड़ती है, तो ये जो कत्ल करने वाले लोग हैं ये इंसानियत के कातिल हैं, वो चाहे भारत में करें, वो चाहे पाकिस्तान में करें, या दुनिया के किसी भी मुकाम पे करें। और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस दहशतगर्दी को हम कैसे रोक सकते हैं, कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के गले में गले मिल के छुरा नहीं घोंपें, सच्चे दिल से, हिपोक्रेसी ना हो, मुनाफ़क़त ना हो, गले से गले मिलें और कहें कि आज से हम एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, कभी गलती छोटे भाई से हो जाए तो बड़ा भाई माफ़ कर दे, बड़े भाई से हो जाए तो छोटा ये समझ के माफ़ कर दे कि ये बड़ा है। तो मेरे ख्याल है अगर हम सच्चे दिल से मिलना चाहें, आप अवाम की मोहब्बतें आपने देखी होंगी मुझसे किस तरह से, मेरी तो हिंदुस्तान की अवाम आपको बहुत ही इस ट्रिप में भी बहुत ही, देखिए कोई भगवान कह रहा है, कोई नाउजुबिल्लाह मुझे खुदा कह रहा है, मैं तो एक इंसान रहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि इंसान भी वो काम करते हैं जिनसे रब चाहे, काम रब करता है, जरिया इंसान बनता है, अल्लाह ताला जरिया बनाता है। अंसार बन्नी साहब, आपको कैसे लगता है जब ये सेलर्स रिलीज हुए और वो हिंदुस्तान अपने फैमिलीज में वापस आए और उनके बच्चे, एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची, वो ये कहती है कि अंसार बन्नी अंकल वी लव यू, व्हाट एनर्जी दैट ड्राइव्स इन यू, आई लव यू टू। मैं उन बच्चों को कहूंगा, बच्चों आई लव यू टू, मेरे लिए भारत का हर बच्चा मेरा बच्चा है, पाकिस्तान का हर बच्चा मेरा बच्चा है, दुनिया का हर बच्चा मेरा बच्चा है, इसी तरीके से हर माँ बाप मेरे माँ बाप हैं, हर भाई बहन मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि मैंने कहा मेरा तो ये परिवार है, मेरा ख़ानदान जो है वो दुनिया है, ये बाउंड्रीज हमने बना दी हैं। जब हज़रत आदम आए थे, हज़रत हव्वा आई थी, या आप भारत के हवाले से, हिंदू मज़हब, सिख मज़हब, दीगर मज़ाहब के हवाले से, जो दुनिया में पहला शख्स आया था, जो पहली औरत आई थी, हम सब उसकी औलाद है ना। उस जमाने में क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान थे? नहीं, उस जमाने में मिडिल ईस्ट, खलीज, यूरोप और अमेरिका थे, नसल, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ये तो हमने पैदा किए, ये तो हमने बनाई है, और अगर हमने बनाई है तो आदिल साहब हम ही इसको खत्म कर सकते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ इस सिलसिले में बेहतर कर सका
तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात। अंसार वली साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी हुकूमत है, चाहे वो हिंदुस्तान की हुकूमत हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, जहाँ जहाँ भी दुनिया में कुछ मुशाकिल हो रहे हैं, वहाँ पे जो मुश्किलों को जूझने के लिए गवर्नमेंट्स फेल होती है, तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है कि इंडिविजुअल सिविल सोसाइटीज़ और सोशल एक्टिविस्ट अपनी बलबूते पे इससे लड़कर उसमें कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। जब ये पॉलिटिक्स आ जाती है, और मैं इसको कहूँगा डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ हिपोक्रेसी, उसमें ये होता है कि मुनाफ़क़तें शुरू हो जाती हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने रब के लिए काम कर रहे होते हैं, वो हुकूमत सरकार के लिए काम नहीं कर रहे होते। मैं जब पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स बना, तो बहुत सारी मेरे सामने चीज़ें ऐसी रखी गई कि शायद मैं काम ना कर सकता, लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया कि अगर मुझे वज़ीर रखना है तो मैं इंसानी हकूक़ का वज़ीर हूँ, मेरे आगे बाउंड्रीज नहीं खड़ी करना। मेरे ख्याल है कि हमें मिल के अगर हम काम करेंगे जी, तो बहुत बेहतर और बहुत अच्छे अंदाज में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए मजहब में पड़ोस की गवाही पे जन्नत है, तो भारत तो पड़ोस है जी हाँ, और हिंदू मजहब में भी, सिख मजहब में भी, ईसाई मजहब में भी पड़ोसी के बड़े हुकूक हैं। हर मजहब में, दुनिया की हर किताब दुनिया में आई इंसानियत के लिए। ये और बात है कि हमारे मुल्लाओं ने और हमारे दूसरे लोगों ने इसको बांटने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर पड़ोस की गवाही पे जन्नत है, तो वो जन्नत भारत के लिए भी है अगर वो पाकिस्तान की खिदमत करे, और पाकिस्तान के लिए भी है कि अगर वो भारत की खिदमत करे। हमें ये बताइए कि आपकी जो बिगिनिंग थी एज ए स्टूडेंट, आपने शुरू से ही अपनी जिंदगी में इस काम को शुरू किया और आप जेल गए, और वहाँ से आपने किस तरीके से मोटिवेशन हुआ, आप कैसे ह्यूमन राइट्स में? देखिए, जब मैं जेल फर्स्ट टाइम गया, मैं स्टूडेंट लीडर था उस ज़माने में, एक तालिबिन रहनुमा होता था, और मैंने माशाल्लाह के ख़िलाफ़ 77 में आवाज़ उठाई, और उसकी पादाश में मुझे जेल जाना पड़ा। 3 दफ़ा मुझे जेल जाना पड़ा, और इस दौरान जब मैं फर्स्ट टाइम जेल गया, तो मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैंने एक मज़ार पर जाके तकरीर की है पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, माशाल्लाह के ख़िलाफ़, और जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो जब मैं जेल गया, तो मैंने रब को देखा, और मैंने रब की तरफ अपना सर उठा के कहा, मैंने कहा मालिक, बेगुनाहों के साथ भी इस मुल्क में ऐसा होता है, या दुनिया में कहीं ऐसा होता है? तो शायद वो एक ऐसा वक्त था कि एक लम्हा ऐसा था जो मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। वो ज्यादती को मैंने इस रुख में लिया कि परवरदिगार आलम कभी कभी आपको कुछ छोटी मोटी तकलीफें दे के आपसे बहुत बड़े काम ले लेते हैं। जब मैं जेल से रहा होके आया, तो एक दिन मैं वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, बहुत बड़ा सायादार दरख्त था जी। उसके नीचे मैं बैठा हुआ था, और मैंने देखा कि मेरे सामने एक शख्स खड़े हुए हैं जिनकी इतनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, वाइट चोगा है, नूर चेहरे पे इस कदर है कि देखा भी नहीं जा रहा, उस नूर को बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा, और आँखों की ये जुर्रत भी नहीं, गुस्ताखी भी नहीं कर सकती कि आँखें वहाँ से हट जाएँ। उनके चेहरे पर से निगाहें हट भी नहीं रही, और वो चेहरा, उसका नूर बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। कहने लगे, अंसार, तो मैं घबरा गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं कांपने लगा कि ये तो जेल का कैदी नहीं है, क्योंकि मैं कैदियों को जानता था, मैं जेल में था। तो कहने लगे, अंसार, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें बार बार जेल क्यों भेजा जा रहा है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम मुझे बार बार जेल क्यों भेजा जा रहा है। कहने लगे, अल्लाह पाक तुमसे काम लेना चाहता है। और वो गायब हो गए, वो एकदम कहीं चले गए। ये कोई साया नहीं था, ये कोई वहम नहीं था, मैंने सचमुच हकीकतन देखा, और वो फिर गायब हो गए। और उस ये जो मेरा लास्ट टर्म था जेल का, जो मुझे ले जाया जाता था, इसमें मुझे इंट्रोगेशन में रखा गया था बेगुनाह। मुझे करंट लगाए जाते थे, मुझे लटका दिया गया, मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, और ये गए हैं, ये गायब हुए हैं, और 2 घंटे के बाद मुझे मार्शल कोर्ट ने बुला के कहा कि जी, हम बड़ी माजरत चाहते हैं, आपको जो है हमने गलत पकड़ा था, हम आपको रहा करते हैं। तो मैंने कहा, अभी तो 3-4 घंटे गुजरे हैं उस हस्ती को आए हुए, और उन्होंने कहा कि तुम्हें बार बार इसलिए भेजा जा रहा है कि अल्लाह पाक तुमसे बेगुनाहों के लिए काम लेना चाहता है। बस वो दिन है, आज का दिन है, नो पॉलिटिक्स, नथिंग, कोई कुछ नहीं, बस फिर जिंदगी बदल गई।
और उसके बाद मैंने फिर कैदियों की रहाई की, बेगुनाह कैदी, दहशतगर्दों को सजा मिलनी चाहिए, दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, मुझे दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं है। जिन कैदियों की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रिजनर्स ऑफ सरकमस्टांसिस, हालात के सताए हुए लोग या बेगुनाह कैदी। नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। नाज़रीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा के इस प्रोग्राम में। अंसार बरनी साहब, हिंदुस्तान के कुछ प्रिजनर्स जो पाकिस्तान में थे जैसे कश्मीर सिंह, उनके बारे में भी आपने उनको भी रिहा करवाया, और कई ऐसे लोग हैं कई डिफरेंट नेशंस के जो कैदी थे उनको आपने छुड़ाया, और आप चाइल्ड अब्यूज पे भी काम किया है, और आपने वुमेन्स एट्रोसिटीज पे भी काम किया है। आपको नहीं लगता है कि और लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए, हिंदुस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, दूसरे ममालिकों से भी, ताकि वो इस काम को, आपका जो मिशन है टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स। आदिल साहब, मैं ये समझता हूँ कि अंसार बरनी अब तनहा नहीं है। जब परवरदिगार आलम आपके साथ हो जाए तो आपको फिर किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, और अगर आज मैं अंसार बरनी हूँ तो ये आप सबकी मोहब्बतें ही तो हैं, जो जहां जिस तरीके से कोई हाथ उठा के दुआ करता है मेरे लिए, वो मेरी ताकत है। आपको मैं बताऊं, जब मुझे यहां से फोन आते हैं भारत से कि हम मंदिर में दुआ कर रहे हैं, ईसाई कहते हैं जी हम गिरजाघर में दुआ कर रहे हैं, यहूदी कहते हैं हम कलीसा में दुआ कर रहे हैं, सिख कहते हैं कि जी हम गुरुद्वारे में दुआ कर रहे हैं, और मुसलमान कहते हैं कि हम मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, तो यही तो असल ताकत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हम अल्लाह को या मुसव्विरो भी कहते हैं, तस्वीर बनाने वाला, ये दुनिया उसने एक तस्वीर बनाई है, हिंदू सिख ईसाई यहूदी मुसलमान बाकी जितने भी मजाहिब हैं, ये सारे उस तस्वीर के रंग हैं। अच्छा। एक रंग को भी अगर खराब करोगे आदिल साहब, एक रंग भी अगर खराब करोगे तो परवरदिगार आलम कभी माफ नहीं करेगा। अंसार बरनी साहब, आप पाकिस्तान में एक करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान आप कर चुके हैं, आपने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन वजह बन रहा है टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आप इसको थोड़ा वाजह करके समझाएं। देखिए, करप्शन जो है, करप्शन एक चीज नहीं होती, करप्शन खाली पैसा ले लेना नहीं है, करप्शन किसी को धोखा देना भी है, करप्शन किसी के साथ ज्यादती भी है। करप्शन यही है ना कि करप्ट लोग वो कहलाते हैं जो खाली पैसों से ही नहीं, मुख्तलिफ अंदाज से आपका कागज बदल दें, आपको दूसरे तरीके से तकलीफ दे दें। करप्शन का मतलब है कि हम चाहते हैं पीस विद जस्टिस, इंसाफ के खिलाफ कोई चला जाए वो करप्ट है। मेरी निगाह में जो इंसाफ के खिलाफ जाता है वो करप्ट है, जहां ना इंसाफियां हो जाए वहां करप्शन है, और करप्शन की जब हद बनती है आगे जाके तो वो दहशतगर्दी है, क्योंकि वो जो पैसा है, वो जो हराम कमाई है, उसी से असलाह खरीदा जाता है, उसी से दहशतगर्दी फैलाई जाती है, उसी से मुनाफ़क़तें फैलाई जाती हैं, और उस करप्शन की राह में आने वाले लोगों को हटाने की कोशिश की जाती है। यूनिवर्सली ये जो ह्यूमन राइट्स है और इनजस्टिस है, उसको आप समझते हैं कि दुनिया में इसको ख़त्म करने के अगर तरीके हैं तो क्या तरीके हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है दुनिया में? एक सोच दे देता हूं मैं सुनने वालों को जी, आपके जरिए बता दूं मैं। हम एक खानदान है, वो चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, कोई भी है, हम एक खानदान है। उस खानदान के मुख्तलिफ कमरे हैं, उस खानदान के मुख्तलिफ जैसे भाइयों के कमरे हैं, बच्चों के कमरे हैं, भाई बहन फैमिली के कमरे होते हैं, इस तरह उस फैमिली को बांट दिया गया है मोहब्बतों के लिए, मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं कि ये हिंदू फैमिली है, ये सिख, लेकिन वो माँ बाप एक हैं, फैमिली एक है। अगर कोई हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी को बांट रहा है तो वो हमारा बदतरीन दुश्मन है, और वो गैर मुल्की एजेंट है। जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो परेशान हाल हैं, उन लोगों की जिंदगी में राहत पहुंचे, अन्ना हजारे जैसे लोग, आप जैसे स्टालवर्ट्स अगर इस काम को आगे ले जाएंगे तो हिंदुस्तान के लिए, हुकूमत के लिए भी बड़ी बात होगी और लोगों के लिए तो बहुत बड़ी। आदिल साहब, जैसे आपने कहा हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, तो हम बदलेंगे तो इंसानियत को अजमत व वकार मिलेगा। आप 5 स्टार्स होटल का सिर्फ अगर दुनिया का खाना बचा के गरीब मुल्कों में भिजवा दें
तो आधी दुनिया की इंसानियत जो है वो बेहतरीन पेट भर के सो जाएगी। आप अगर जो दुनिया में इस वक्त नोटों का कमाई का जो एक तरीके कार अपनाया गया है, जो ग्रीड, जो लालच है, अगर उसको आप दुनिया में बांट दें तो ना दुनिया में कोई गरीब रहेगा और ना कोई फकीर रहेगा। हमारे यहाँ मसला क्या है कि हम दौलत को समेट के बैठ जाते हैं, हम उस पर एक नाग बन बैठते हैं कि इसके ऊपर कोई आने ना पाए। हमें दौलत को बांटना है, हमें मोहब्बतों को बांटना है, हमें अगर क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर मेरी प्लेट में, मैं एक दफ़ा कराची जेल, अपने लाहौर में एक जेल विजिट कर रहा था एज अ फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, तो मुझे कुछ ईसाई लोगों ने शिकायत की कि साहब हम बड़ी तकलीफ़ में हैं, हमारे साथ कोई बैठ के खाना नहीं खाता, हमें खाना सही से नहीं मिलता। मैंने उसी वक्त DIG को हुक्म दिया कि जाओ जाके खाना मंगवाओ। खाना आया, उन सारे ईसाई लोगों को मैंने, वो सारे हिंदू लोगों को और जो सिख लोग थे, जितने भी जिनको ये शिकायत थी, उन सबको लेके बैठा। मैंने कहा एक तश्तले में, जो खाने का बड़ा बर्तन होता है, मैंने सबसे कहा कि आओ अब हम मिलके सब साथ खाएंगे। और वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा जी हमारे तो कभी किसी ने इस तरह से कोई हमें तसव्वुर ही नहीं था। मैंने कहा देखो ये नफरतें फैलाने वाले जो हैं यही तो इंसानियत के कातिल हैं। जो बात करें हिंदू सिख ईसाई यहूदी और दीगर मजहब की, मुसलमानों की, या हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश यूरोप, वही तो इंसानियत के कातिल हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान समेत सार्क में, बल्कि दुनिया में ऐसा हो कि हम इंसानियत पर एतमाद करें। हमारे मुल्कों में वीज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारे मुल्कों में जो दूरियां हैं इसके ख़त्म करने का सबसे पहला तरीका ये है कि हम अपने बॉर्डर खोल दें और हम एतमाद करें एक दूसरे पे, और हम जिम्मेदारी डालें पाकिस्तान में पाकिस्तानियों पे, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों पे, कि अगर कोई शख्स तुम में कोई ऐसा गलत आदमी नज़र आए, खुद उसकी निशानदेही करो। आप देखिए कितनी मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, आप देखिए कि कितने करीब आ जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि दोनों मुल्कों में, माफी के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान में, इन्हीं नफरतों पे तो सियासत की जाती है। उसने हिंदुस्तान को कह दिया, उसने पाकिस्तान को कह दिया, चलो जी वाह 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 ताली बज गई। ये नहीं सोच रहे कि आने वाली नस्लें, आज जिस आग को तुम जला रहे हो, आज जिस आग को तुम जला रहे हो, कल आने वाली तुम्हारी नस्लें इस आग में जल जाएंगी। अगर हम इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारी राह में रुकावटें भी मत डालो। नाज़रीन, अंसार बन्नी साहब के साथ एक बेहतरीन डिस्कशन अगले एपिसोड में करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में और ह्यूमन राइट्स का उनका डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है। आप फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, अंसार बन्नी हमारे साथ होंगे। खुदा हाफिज़। जय हिंद।